जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। कई बार जब वास्तु पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन अपन पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं शास्त्र के अनुसार, तो अपने को ज्ञात होता है कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति त्रेता युग में हुई, सतयुग में नहीं था। सतयुग में चेतना सतोगुणी थी। तो यहाँ अपन इस पाठ में बहुत संक्षेप में फिलोसॉफी या दर्शन को देखने का प्रयास करते हैं कि दर्शन है क्या। दर्शन और फिलोसॉफी एक ही चीज है। हिंदी में अपन उसको दर्शन बोलते हैं और इंग्लिश में अपन उसको फिलोसॉफी कहते हैं। तो ये फिलोसॉफी है क्या? फिलोसॉफी परम सत्य को जानने का मार्ग है, माध्यम है। और ये जो मार्ग या माध्यम कहें तो ये अनंत हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो दर्शन या फिलोसॉफी परम सत्य अल्टीमेट ट्रुथ उसको जानने का मार्ग कहेंगे या माध्यम कहेंगे। तो अपने यहाँ भारत में षड दर्शन सिक्स फिलोसॉफी। तो अभी अपन इसको थोड़ा साइंस की दृष्टि से देखते हैं कि साइंस में अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, परम सत्य क्या है, तो फिर अपन फिलोसॉफी को भी समझ पाएंगे। साइंस जिसे आजकल अपन विज्ञान कहते हैं, जानते हैं, समझते हैं, अभी उसी की बात कर रहे हैं। तो एक उदाहरण से देखने का प्रयास करते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, से फॉर एग्जांपल जो अपन चौक से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, वाइट कलर का जो होता है, तो वो चौक वास्तव में क्या है? तो जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो समझते हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। तो किससे बना है? तो कहा भाई देखो ये कैल्शियम से, कार्बन से और ऑक्सीजन, इनसे बना है। यदि चौक में से कैल्शियम निकाल लो, कार्बन निकाल लो, ऑक्सीजन निकाल लो किसी प्रोसेस से, तो चौक जैसी कोई चीज़ नहीं है। चौक तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक फॉर्म है, एक रूप है। तो चौक तो एक आकृति है, वास्तव में वो कैल्शियम कार्बोनेट है। और कैल्शियम कार्बोनेट भी एक कंपाउंड है जो कैल्शियम से, कार्बन से, ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो ये जितने भी हैं, कैल्शियम हो चाहे कार्बन हो चाहे ऑक्सीजन हो, इसको जब अपन साइंटिफिकली देखते हैं या केमिस्ट्री या फिजिक्स की दृष्टि से देखते हैं, तो अपन ये चाहते हैं कि ये जानते हैं कि ये जितने भी हैं कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? ये एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो मेंडलिफ चार्ट जिन्होंने स्टडी किया है वो जानते हैं कि कितने एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने। ये सब जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो सब समझते हैं, जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, प्रोटॉन पॉजिटिव आयन है और न्यूट्रॉन जो है वो सेंटर में। तो ये सब विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं। और इनमें से किसी को भी देखो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, ये सब क्या है? ये पार्टिकल और वेव्स हैं, पार्टिकल और वेव्स। उसी को किसी समय फिलोसफी में देखेंगे कि शिव और शक्ति से भी इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो पार्टिकुलर वेव्स हैं ये वास्तव में क्या है? तो ये कह दिया विज्ञान ने कि ये जो है ये ऊर्जा है। तो विज्ञान की दृष्टि से जब अपन अल्टीमेट ट्रुथ को फाइंड आउट करते हैं तो वो एनर्जी आता है विज्ञान की दृष्टि से। तो यदि अपन इस फिलोसॉफी का नाम साइंटिफिक फिलोसॉफी दें तो जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो ऊर्जा है या एनर्जी है। चाहे अपन टेबल के थ्रू जाएं चाहे चेयर के थ्रू जाएं, टेबल चेयर के थ्रू का मतलब ये है कि टेबल मान लो लकड़ी की बनी है, तो लकड़ी कौन से एलिमेंट से बना है, फिर वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं और वो पार्टिकुलर वेव से बना है और वो ऊर्जा से बना है। तो जितना भी ये भौतिक जगत, जितना भी संसार हमको दिखाई देता है वो सब क्या है? वो ऊर्जा, उसका अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? एनर्जी, ऊर्जा। तो यदि साइंटिफिक फिलोसॉफी में अल्टीमेट ट्रुथ कहना हो तो अपन ऊर्जा कहते हैं। इसी को
वेदांतिक जो फिलोसॉफी है उस अल्टीमेट ट्रुथ को उसमें मान लो ब्रह्म का है, ब्रह्म जो कैसा है, जो जो निर्गुण है, निराकार है, और वही सारे फॉर्म्स और शेप्स लेता है, सगुण साकार में कन्वर्ट होता है। तो थोड़ा सा एकदम संक्षेप में अपन ने फिलोसॉफी को समझने का प्रयास किया कि फिलोसॉफी इज़ ए पाथ, इज़ ए टूल, इज़ ए मीडियम टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रुथ। और आगामी उसमें अपन देखेंगे कि यहाँ जो षड दर्शन प्रसिद्ध है, न्याय वैशेषिक सांख, योग कर्म मीमांसा वेदांत, उसमें कैसे अल्टीमेट ट्रुथ को विजुलाइज या रियलाइज करते हैं। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।